सलमान हाशमी टुडे, जैसा कि आपको पता है कि हम पूरा वर्ल्ड फिरते हैं और फ्रॉड न्यूज लेके आते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हुई है कि एंटी फ्रॉड एक मुहिम चली है। आज हमारे साथ एक ऑफिसर है जिन्होंने एंटी फ्रॉड को ख़त्म किया है और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही आसान सिस्टम लाए हैं जिस तरह वर्ल्ड के अंदर एक्साइज का है। तो सर बताएंगे सर ये क्या स्ट्रेटजी है? सर दरअसल ये है कि हमारे डायरेक्टर हैं बिलाल आजम साहब, उनके डायरेक्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी अवेल लोगों को अवेल करवा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो भी लोग हैं जो बिजनेस आवर में वापस ऑफिस नहीं आ सकते तो वो ईजीली यहाँ पे आप ऑफ द टाइम जो है आके गाड़ी अपनी रजिस्टर कराएँ, टोकन टैक्स कराएँ और वहाँ पे जो मौजूद अगर एजेंट्स वगैरह हैं उनसे जो है ना बचने के लिए भी काफ़ी लोग मौजूद आते हैं। अभी सर ये जो प्रॉब्लम है कि एक्साइज दफ्तर के बाद जब वो लोग जाते हैं एचएससी की बिल्डिंग के साथ तो बाहर गाड़ियों का बेशुमार झूम है, उसके बाद टाउट्स इधर फिर रहे हैं, ठीक है जी, जिनको हम ये नहीं कह सकते चलो वो कंसल्टेंट्स हैं अगर। और सर अभी जो लोगों के मसाइल है सर, गाड़ी ट्रांसफ़र होने में फ्रॉड, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो गाड़ियों का है, पुलिस CIA पुलिस सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसी में, सारा दिन काम करते रहते हैं। हालांकि सर ये डोमेन ऐसी आप लोगों की एक्साइज जी, तो बाहर के ममालिक में सर ये होता है कि आप सिर्फ लिखते हैं पोस्ट करते हैं आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट V5 ब्लॉक आपके घर आ जाते हैं, पाकिस्तान में सर आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि माशाल्लाह आपने कार्ड भी बना दिया है ऑनलाइन हो गई है। सर ये तो अपनी अवेयरनेस की बात है, हर बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अगर वो अपना हक समझे तो वो बैठे घर में उसमें अच्छा से हर चीज़ हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्री और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रूफ उसका प्रोसीजर वगैरह सारा वो इस्टेब्लिश किया हुआ है वहाँ। और दूसरा सर एक और फ्रॉड हो रहा है मार्केट के अंदर कि एक ही लॉग बुक के ऊपर 5-5 गाड़ियों चल रही हैं, बाद नंबर आपको पता है एक महंगा नंबर है जी, पूरे पाकिस्तान में उसका रेट ज़्यादा है, उसी एक नंबर के ऊपर 5-5 गाड़ियाँ जो हैं चल रही होती हैं, कार्ड भी बनते हैं सर आपके अंदर भी डिपार्टमेंट में से, आप लोग तो नहीं करते लेकिन छोटे लेवल के ऊपर फ्रॉड होते हैं। नहीं सर बात ये कि देखिए हर चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब की है कि हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन है, जो भी बंदा वहाँ पे गाड़ी खरीदे या जो भी है वो ऑनलाइन अपना चेक करे, डॉक्यूमेंट्री उनकी चेक करे और ऐसे पाकिस्तान इस्लामाबाद एक बाहर एक साइज इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंडर काम करें लोग, वो ऐसा है कि वो डबलिंग नहीं है। अच्छा डबलिंग नहीं है, कोई भी डबलिंग नहीं है, अगर कोई फेक नंबर लगाता है और वो लेके फिराता है तो उसमें ये है कि कभी कभी हम चेक करते हैं तो ये है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम ड्यू टाइम टू टाइम उसको चेक करें, मगर ये है कि जो फेक बंदा प्लेट लगा के फिर रहा होता है तो हम उसको जब वो पकड़ जाए पकड़ते हैं तब हम पता लगे फेक होगा, और दूसरा हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं लोगों को भाई जो आपको जो गवर्नमेंट की जारी शुदा नंबर प्लेट है हमारे ऑफिस से वो मेंशन करें, जब वो मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो सर जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हर एक साइज की इशू है, जो लोग बाहर से इंपोर्टेड, मैं भी बाहर रहता हूँ मुझे भी बाहर के ब्रांड पसंद है, ठीक है, तो एक्साइज का एक तो बिल बहुत ज़्यादा है सर गवर्नमेंट। नहीं दरअसल बात है कि जो गवर्नमेंट के टैक्स का शेड्यूल है हम अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से जो है ना हम टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और ऐसा कोई नहीं कि कोई ना कोई कहे कि ज़्यादा टैक्स है, जो भी है जो कस्टम ड्यूटी डिक्लेयर करती है उसी ड्यूटी के ऊपर ही फीसेस जनरेट होती है और गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक बाहर से जो लोग गाड़ियाँ ला रहे हैं आप उनको बिल्कुल अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी की है, पॉलिसी इनिशिएट करी है इलेक्ट्रिक गाड़ी तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फीस और इनकम टैक्स और टोकन टैक्स वगैरह भी माफ़ किया होगा तो लोग जो है इसको ज़्यादा इनिशिएट करें। बाकी सर हम बड़े प्राउड है, एक पाकिस्तानी हीरो है हमारा इमरान खान, ही वी आर प्राउड फॉर दैट ऑफिसर, इज वर्किंग वेरी हार्ड इन मेकिंग पीपल लाइफ वेरी इजी, वी सो नाइस एंड वी रिस्पेक्ट हिम सर, यू आर माय हीरो, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू।